नमस्ते दोस्तों। तो आज हम लेके आए हैं मुंबई का फेमस ओड़ा पाव स्टिक स्टाइल, एकदम परफेक्ट टिक के साथ, सेम टेस्ट, लाजवाब, एकदम मार्केट स्टाइल में। और साथ में हम ग्रीन चटनी कैसे बनाते हैं, रेड चटनी कैसे बनाते हैं, दोनों की रेसिपी हम साथ में ही डालेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिए। बारिश का सीजन हो, अगर ओड़ा पाव नहीं तो बारिश का मज़ा ही क्या है। तो आप इस तरीके से बनाइए ओड़ा पाव, एकदम टेस्टी, लाजवाब, एकदम स्टिक स्टाइल। देखिए कितना परफेक्ट हमारा जो है ओड़ा पाव, साथ में ग्रीन चटनी और रेड चटनी, एकदम लाजवाब टेस्ट के साथ हम बनाएंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो जो हमारे चैनल पर नहीं है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। तो चलिए हम बनाने की प्रोसेस चालू करते हैं। हम एक एक ट्रिक ऐसा बताएंगे जैसे मार्केट में बनता है चटनी कैसा, और ये थोड़ा सा ऊपर से क्रिस्पी रहता है, अंदर से सॉफ्ट रहता है, सब हम इसमें डिटेल में बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिए। तो चलिए, जिसके लिए हमने दो बॉल कटोरी, मतलब मेजरमेंट के हिसाब से 2 कप हुआ, और इसमें हम बेसन डाल के 2 कप बेसन, और 2 चम्मच हमें इसमें चावल का आटा इसके लिए जा रहा है जिससे ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पी बने। और हम स्वाद के अनुसार नमक डाल दिए, 1/2 चम्मच हमने इसमें मिर्च पाउडर डाल दिया, और थोड़ी सी हमने हल्दी पाउडर डाल दी है इसे, और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये चावल जो है हमारे ओड़ा को ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पी बनाता है, तो इसके लिए चावल है तो डाले, नहीं तो इसके जगह पे आप कॉर्नफ्लावर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसे पानी डाल के थोड़ा थोड़ा करके इसे हमें थिक सा बैटर बनाना है, बहुत ही मतलब पतला नहीं चाहिए हमें, एक ओड़ा पाव के लिए हमें बहुत ही थिक बैटर चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते जाइए और अच्छे से इसे मिलाते जाइए। तो देखिए हमारा जो बैटर है तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसी स्टेज पे हम एक सीक्रेट चीज़ ऐड करेंगे जो स्पेशली मार्केट में इस्तेमाल होता है। तो ये पिंच भर के करीब हम है ये सोडा है, मतलब खाने वाला जो सोडा रहता है वो सोडा, और 1 चम्मच ऑयल, जिससे हमारा मतलब ओड़ा जो है थोड़ा सा ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट, एकदम मुलायम सा बने, और फूला फूला बहुत ही लाजवाब लगता है। देखिए तो हम इसे मिला के इसे साइड में रखते हैं। और ये देखिए हमने 1/2 kg आलू को बॉईल करके रख लिया। तो पहले इसे हम मैशर की मदद से एकदम मैश कर देते हैं। इसे मोटा मोटा नहीं रखना है, एकदम अच्छे से बारीक सा मैश करना है, जिससे हमें ओड़ा बनाते टाइम पे गुठलियाँ जो आते हैं ना वो नहीं आना चाहिए। तो देखिए हमने अच्छे से मैशर की मदद से मैश कर लिया, और चम्मच से हम मिला लेते हैं इसे अच्छे से, और हम इसे साइड में रखते हैं। तो चलिए इसके लिए हम एक मसाला तैयार करते हैं जो स्पेशली मार्केट में जो डालते हैं वही। तो देखिए 4 से 5 हम इसमें मिर्ची डाल दिए, 4 से 5 हम लहसुन डाल दिए, 1/2 से 1 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा, और ये स्पेशली है धनिया का डंठल, जो ये डंठल मार्केट वाला ओड़ा पाव जो रहते हैं उसमें ये ज़रूर इस्तेमाल करता है। तो ये आप बराबर ये छोटा छोटा टिक पे ध्यान दीजिए, और 1 चम्मच पानी डाल के इसे हमें दरदरा सा पीसना है, हमें इसको बारीक सा नहीं करना है, एकदम दरदरा सा रखना है। तो देखिए हमने दरदरा सा पीस लिया है। तो चलिए इसे हम साइड में रखते हैं, फटाफट हम अपना चटनी बनाते हैं। ओड़ा पाव के लिए तो चटनी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए हम चटनी बनाने के लिए 2 चम्मच इसमें हम ऑयल डाल दिए, कढ़ाई को गर्म कर लिया, गैस को चालू कर दिए, गैस हाई रखिए, और 1 चम्मच हमें इसमें भर के 1 टेबल स्पून हमने राई डाल दिया। अभी थोड़ी सी हम इसमें हींग डाल दिए फ्लेवर के लिए, तो हींग हो तो डालें, नहीं तो स्किप कर दीजिए। तो देखिए हम 8 से 10 करी पत्ते, तो करी पत्ता डालने के बाद अभी जो हमने मसाला तैयार किया जी वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये मसाले को डाल के इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, 1 से 2 मिनट इसे हमें भूनना है चलाते हुए। तो देखिए और गैस को मीडियम कर दीजिए, हाई नहीं रखना है, नहीं तो मसाला जल जाएगा। तो इसे हम अच्छे से पहले भून लेते हैं हल्का सा मसाला को, जिससे इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो देखिए हमने मसाला जो है हमारा भून चुका है। तो अभी इसी स्टेज पे हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। तो हम छोटी चम्मच, एकदम बारीक वाला चम्मच से 1 चम्मच हल्दी डाल दिए, और स्वाद के अनुसार नमक। तो आप अपने जिस हिसाब से चटनी मतलब आलू ले रहे उस हिसाब से आप इसे लिया सब हल्दी और नमक ले लीजिए, और डाल के मिक्स कर लीजिए। अभी हमारा जो जितना भी हम आलू मैश करके रखे थे इसमें डाल देते हैं। तो हम इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बात पे ध्यान रखिए, चटनी जो है हमारे गीला गीला नहीं चाहिए, थोड़ा ठीक सा मतलब अच्छे से जो गोली बने ना इस तरीके से आप चटनी बनाइए। देखिए अच्छे से मैश करते हुए हमारा जो चटनी है सेम मार्केट के जैसा टेस्ट, फ्लेवर सब आता है, बहुत ही लाजवाब लगता है। इस तरीके से आप चटनी बनाइएगा ओड़ा पाव का, और बस 3 से 4 मिनट में हमारा जो चटनी तैयार हो जाता है। तो धनिया पत्ता इसमें डाल के ये देखिए हमारा चटनी जो है रेडी हो गया। तो चलिए हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे साइड में रखते हैं ठंडा होने के लिए। तो हमने गैस को फिर से ऑन कर लिया, और चलिए हम पहले रेड तोड़े चटनी के लिए हमें पहले सिंगदाना चाहिए। तो सिंगदाना हम 1 कप के चौथाई भाग लिया है,
और इसे हम पहले अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। तो मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से रोस्ट कर लीजिए, तेल में फ्राई कर लीजिए, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, तो इसे स्लो फ्राई करने में हो जाएगा। और ये देखिए लहसुन, तो लहसुन हमने थोड़ा ज़्यादा लिया क्योंकि हम ज़्यादा क्वांटिटी में चटनी बना रहे हैं, और ये जो स्पेशली मार्केट में जो चटनी में रहता है ना लहसुन, ये इसी तरीके से छिलका के सहित रहता है। तो ये चटनी बनाने में आप छिलका मत उतारिएगा, छिलका के सहित ही लहसुन को फ्राई कर लीजिए। लहसुन फ्राई करते टाइम पे ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत उड़ता है, फटफट फूटता है ना, इसकी वजह से। तो हमने लहसुन को फ्राई करके रख दिया साइड में, और ये देखिए हम बैटर ले लिए। तो चलिए हम पहले इसका जो मेन जो सामग्री है चटनी का, वो हम पहले बना लेते हैं इस बैटर से। तो बैटर को हम हाथ से पहले मिक्स करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपका हाथ से जब गिरने लगेंगे, तो चलिए हम इसे पहले बना लेते हैं। तो तेल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, और इसी तरीके से आप हाथ से डाल के इसमें बूंदी बूंदी, जैसे बूंदी बनाते हैं ना, उसी तरीके से आप बूंदी बूंदी करके डालिए। जो मेन चटनी का सामग्री जो है ना, हम इसी से बनाएंगे, मतलब यही और अप्पाओं के बैटर से ही, बेसन वाले से। तो इसमें गैस को हमने चालू कर लिया, हाई पे ही था, अभी मीडियम कर लिया हम डालने के बाद, और इसे हम फ्राई कर लेते। तो इसे हम क्रिस्पी होने तक अच्छे से फ्राई कर लेते। तो देखिए जो हमारा जो बेसन का जो हमने बूंदी जैसे बनाया, इसे हम फ्राई करके निकाल लेते हैं। तो हम इसे एक प्लेट पे टिश्यू पेपर पे इसे निकाल लीजिए। तो देखिए हमने टिश्यू पेपर में निकाले, जो हमारा बाकी का ऑयल जो है ना टिश्यू पेपर अब्जॉर्ब कर ले इसके लिए। तो चलिए अभी हम मिर्ची फ्राई करते हैं। तो सेम मिर्ची फ्राई भी हम मार्केट की जैसा जो रहता है ना वही, तो मिर्ची में चीरा लगा लीजिए, जिससे ये मिर्ची तेल में जाने से बहुत उड़ता है, इसके लिए चीरा लगा लेंगे तो ये ज़्यादा उड़ेगा नहीं। तो देखिए बस मिर्ची हमें थोड़ा सा ही फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। और ये हम मिर्ची फ्राई कर लिया, और इसी में गरम में ही आप नमक थोड़ा सा डाल दीजिए। तो मिर्ची भी हमारा तैयार हो गया। तो चलिए मिर्ची को साइड में रखते, अभी फटाफट जो है हम अपने रेड चटनी बना लेते। तो हमने जो बूंदी बनाई सभी हम ग्राइंडर में जार देते हैं, डाल दिए, और इसी के साथ सिंग दाना डाल दिए, और ये लहसुन भी हम डाल दिए। तो सभी चीज़ डाल के देखिए एक चम्मच बड़ी चम्मच से हम इसमें नारियल डाल दिए। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, अगर हो तो डालिए, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब लगता है ये चटनी में। और सीक्रेट ये ट्रिक है, क्योंकि ये मुंबई में जो चटनी बनता है इसमें ये डाला ही जाता है। और उसके बाद इसमें हम लाल कश्मीरी मिर्च 2 चम्मच भर के डाला, और स्वाद के अनुसार नमक, और इसे हम ग्राइंड कर लिए। तो देखिए ग्राइंड करके हमारा जो है रेड चटनी कितना ईजी है, झटपट बन गया, रेडी हो गया। तो देखिए कितना टेस्टी और डिलीशियस हमारा रेड चटनी देखते जैसे देखने में लग रहा है, ऐसे ये खाने में भी बहुत ही लाजवाब लगता है। तो चलिए हम अभी दूसरे तरीके से फिर से हम अभी ग्रीन चटनी बनाते हैं। तो ग्रीन चटनी फिर से हम ग्राइंडर ले लिया, तो हमें धोने की ज़रूरत नहीं है, हम वैसे ही ले लिया ग्राइंडर में। अभी इसमें हम धनिया पत्ता डाल देते हैं। तो देखिए धनिया पत्ता डालने के बाद हम 4 मिर्ची ले लिया हरी मिर्च, इसे हम ऐड कर देते हैं। 4 हमने लहसुन ले लिया है, इसे भी हम डाल देते हैं। और इसी के साथ अदरक भी हमने 1/2 इंच ले लिया है, इसे छोटा छोटा कट करके हम डाल देते हैं। अभी हम नींबू देख लिए, 1 नींबू हमने ले लिया, कि नींबू का रस हम इसमें डालते हैं। नींबू का रस अगर ना हो तो आपके पास इमली है तो इमली डाल दीजिए, नहीं तो आप 1 चम्मच दही डाल दीजिए, इससे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम दोनों नींबू जो 2 टुकड़े में किए थे, हम इसको निचोड़ देते हैं। तो देखिए हम नींबू को निचोड़ लिया, अभी इसी में हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। अगर आपके पास काला नमक है तो थोड़ा सा वो भी डाल दीजिए, इसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अभी हम थोड़ा सा पानी डाल के एकदम इसका हम फटाफट सा पीस लेते हैं, एकदम पेस्ट के जैसा। तो देखिए हमारा जो है ग्रीन चटनी भी बनके रेडी है। तो देखिए कितना टेस्टी और लाजवाब हमारा रेड चटनी और ग्रीन चटनी कितना झटपट में बनके रेडी हो गया, एकदम मार्केट के जैसा, बहुत ही टेस्टी लाजवाब। तो चलिए हम इसे साइड में, फटाफट हम अपनी ओड़ा बना लेते हैं। अभी सब तो रेडी है, बस हमें ओड़ा बनाने का देरी है। तो देखिए हमने एक बॉल ले लिया है, आप जितना बड़ा छोटा चाहे उतना अपने साइज से ले सकते। हमने ले लिया और हल्का सा हाथ से इसे प्रेस करके देखिए कितना अच्छे से हमारा जो है ओड़ा का बना लिया। तो इसे हम बना के पहले हम आलू का टिक्की के जैसा बना के सभी को साइड में रख लेते हैं। तो इसी तरीके से आप भी ध्यान से बना लीजिए, आप राउंड भी बना सकते हैं, ऐसे टिक्की के आकार में भी बना सकते हैं। तो सभी हम इसी प्रकार से हम पहले टिक्की सभी बना लेते हैं, तो इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट हम पहले बना लेते। तो देखिए हमने 3 बना लिया है और बाकी का भी हम बना लेते। तो देखिए हमने बना लिया है, तो चलिए हम सभी देखिए कितना अच्छा जो हमारा है अच्छे से हो गया है। तो चलिए हम फटाफट अभी इसे हम फ्राई करते। तो हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है पहले से ही, और इसे हम डाल देते। तो हम एक साथ 2-3 डाल रहे हैं इसमें,
जिससे हमें फ्राई करने में ज़्यादा टाइम ना आए, और फटाफट हम इसमें से निकाले और कढ़ाई में डाल दें। तो देखिए एक जो है हमारा, इसी प्रकार से हम अच्छे से ऊपर से बैटर डालेंगे सभी पे और उठा के हम तेल में से छोड़ देंगे, जिससे ये फटाफट फ्राई हो। गैस को आप हाई करके उसके बाद मीडियम कर दीजिए, जिससे ओरा का कलर भी अच्छा आए और ये जले बने। तो देखिए हमने एक डाल दिया, और एक डालने के बाद इसे हम थोड़ा सा पहले 1 मिनट के लिए इसे अंदर से कुक होने देते और इसको पलट देते। हम इस ऐसे इसके लिए करते हैं जिससे हम दूसरा भी डालें ना तो ये एक दूसरे में चिपके ना, तो आप एक साथ ही डालेंगे ना तो एक दूसरे में चिपक जाता है, तो ये बात के लिए हम खास ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए हमने एक कर दिया, तो इसी तरीके से हमने दूसरा डाल दिया, तो देखिए हमारा नहीं चिपका। तो इसी तरीके से आप जितना आपके मतलब कढ़ाई में आ रहा है एक साथ में उतना कर दीजिए। तो हमने इसमें 3 डाल दिए हैं। तो देखिए हम फटाफट इसे फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो देखिए हमने पहले जो डाला था एक, वो हमारा फ्राई हो चुका है, तो हम इसे निकाल लेते। हमने थोड़ा सा कलर इसको थोड़ा डार्क कर दिया, तो ये अच्छा लगता है, घर पे बनाया है तो इसके लिए थोड़ा सा डार्क ही थोड़ा यमी सा बहुत ही लाजवाब लगता है। तो देखिए हमने एक बैच तो फ्राई करके निकाले, तो इसी तरीके से जो है हम सभी को पहले फ्राई करते थे। देखिए हमने फिर से डाल दिया एक, और एक डालने के बाद 2 से 3 मिनट के बाद फिर से दूसरा डालिए, जिससे मतलब एक अच्छे से सिक जाए नीचे से, और दूसरा डालने के बाद जो एक दूसरे में जो चिपके ना, ये बात को खास आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए हम फिर से 3 डाल दिए, और ये देखिए कितना अच्छा हमारा इसका भी कलर आया है, और एक भी एक दूसरे में चिपके ना। देखिए कितना अच्छा हमारा ये ओरा पाउंड लग रहा है। तो बारिश के सीजन में तो ये बनाइए, और बहुत ही लाजवाब और टेस्टी लगता है। तो देखिए हमारा ये भी दूसरा बैच भी बन गया। तो इसी तरीके से हमने जितना है सभी को हम पहले बना लेते। तो देखिए हमारा जो है ओरा बन के रेडी है, तो हमने झटपट फटाफट जो है हमारा ओरा बन गया है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में, और बाकी के सामग्री तो हमारा रेडी है। तो चलिए हम बिना देरी करते हुए फटाफट हम ओरा पाव सेम मार्केट के जैसे बनाते वैसे हम बना लेते। तो देखिए हम एक पाव ले लिया, और इसे हम बीच से फाड़ ले, चाहे तो आप कट कर लीजिए। तो हमने ऐसे ही, और इसके ऊपर से पहले हम ग्रीन चटनी लगाएंगे, फिर इसके ऊपर से हम रेड चटनी डालेंगे, और अभी हम बीच में ओरा रखेंगे। ये देखिए फिर से हम ऊपर से ग्रीन चटनी लगा देते हैं, और फिर से हम रेड चटनी डाल के देखिए कितना ये देखने में कितना लाजवाब लगता है। अभी मिर्ची लीजिए और इन्जॉय कीजिए, इतना ये टेस्टी डिलीशियस दिख रहा है। तो देखिए देखने में ही देखते ही मुंह से पानी आ रहा है, इतना ये लाजवाब और यमी सा लग रहा है। तो देखिए हमने बना लिया है साथ में रेड चटनी और ग्रीन चटनी मिर्ची के साथ हम इसे। तो देखिए देखने से लग रहा है ना एकदम मार्केट के जैसा, और सेम मार्केट का टेस्ट भी है। तो आप बनाएंगे तो बराबर आपको समझ में आएगा, यकीन मानिए बहुत ही लाजवाब लगता है। आप भी इस ट्रिक से बनाइएगा, और हमें कमेंट करके बताइएगा जो आज का रेसिपी आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।